ये देखिए सूच के इसको इस तरह से ना सूच से इसके माला बनाई। अभी इतना भर गया है बारिश से और सामने देखिए मोरी रोड पे। तो चलिए जी इन दोनों के अनबॉक्सिंग करते हैं और देख कुछ इस तरह का। तो ये भी ना बड़ा सुंदर लग रहा है। ये कौन सी डिजाइन की चप्पल है? दूर जानते हो क्यों? इसकी वजह से। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। विकांत से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरुराना स्वागत करते हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दिन की 12 बजे से ट्रोला से। तो मैं ना सुबह ही आ गई थी घर से, सुबह मतलब मैं दुकान खोलने के लिए आई थी घर पर, लेकिन दुकान पर भी अभी तक भी नहीं जा पाई हूँ क्योंकि घर का काम इतना हुआ। आज मम्मी भाभी और भैया लोग तो जा रखे हैं और भाभी के माई के साइड में, मतलब जो बबीता है उनके यहाँ, मतलब उसकी बहन का पति एक्सपायर हुआ है जो कि पुलिस में थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। बहुत छोटा है अभी बेचारा, छोटा था, तो वहाँ पे जा रखे हैं अभी सब लोग। तो मेरे को आज रहना पड़ा बच्चों के साथ यहाँ पे घर पे, और शिवांश को छोड़ रखा है मैंने बसंत नगर उसके मामी के पास। तो मैं ही आई हूँ नीचे, तो इनके साथ डुकू के साथ और तनिषा के साथ कोई नहीं था, और साथ में यहाँ पे बबीता की दादी, तो ये ना कल के आ रखे नीचे, तो इनके साथ भी यहाँ कोई नहीं, इसलिए मुझे आज घर चले। इनके साथ भी यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए मेरे को भी आना पड़ा यहाँ पे, और बाकी सारा काम घर का अभी मैंने आलू वगैरह सब कर दिए हैं, जो दुकान का काम है वो भी निपटा दिया, घर का खाना वगैरह भी बना दिया है मैंने, तो इसलिए अभी दुकान भी नहीं जा पाई हूँ मैं। तो मम्मी लोग ना सुबह ही चले गए थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया था तो वो सुबह चले गए थे, तो ना अभी आ जाएंगे मतलब थोड़ी देर में, क्योंकि नज़दीक ही है मोरी के पारे साइड में है वो, तो वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़ी देर में वो वापस आएंगे, फिर मैं जाऊंगी बसंत नगर की ओर। और सबसे पहले उससे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, देखिए। तो मौसम ना कहीं कहीं हल्की सी धूप है और कहीं से पूरी छाया है, और ये देखिए इस तरीके से हो रखा। तो आजकल ना रोज़ यहाँ पे शाम को बारिश हो जाती है हमेशा, मतलब जैसे ही 4 बजते हैं वैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है। दिन में ऐसी हल्की सी धुंधला सा रहता है आसमान, ना धूप रहती है ना बारिश होती है दिन में, तो इस तरीके से होता है मौसम, और शाम को हमेशा। तो ये देखिए यहाँ पे डुक खा रहा है भात और साथ में पी रहा है दही। हेलो गुड्डू, कैसे हो आप? बोल, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पे सो गई है बबीता की दादी, है दूसरी दादी हमारी ये तनिषा, उसका ध्यान है यहाँ टीवी में लग रखा है, कार्टून आ रहे हैं टीवी में। तो आज सबसे मेन बात है कि हमारे लिए आ रखा है पार्सल, वो भी कहाँ से, दुबई से, आउट ऑफ कंट्री से। तो ये देखिए यहाँ पे ये है पार्सल, एक ये है यहाँ पे, बिल्कुल पैकिंग हो रखी है इसकी इस तरीके से टेप टूप लगा के, और ये है, तो ये तो बड़ा भारी है, ये उठाने जा रहा है। तो अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, तो इसको ना मैं अभी अनबॉक्सिंग करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या है। दुबई से आ रखा है हमारे, दुबई में रहता है डुबू के पापा जो कि मेरे बात का भाई है वो, तो वहाँ से ना कोई आ रहा था हमारे गांव का लड़का, तो उसने ना उसके पास पार्सल भेजा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो उसका अपना टाइम हुआ नहीं है घर आने का, अभी उसको 2 साल नहीं हुए हैं, तो अभी तो उसको 1.5 साल हुआ है वहाँ पे जाए हुए, तो इसलिए खुद नहीं आया, तो इसलिए उस लड़के के पास भिजवाया है, वो भी भाई लगता है उसके पास भिजवाया है पार्सल। तो चलिए जी इन दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें कि क्या है इसमें, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलिए जी बड़े रहे बिरयानी, ये इसमें देखे जूते किसके लिए? डुगू के लिए, डुगू के लिए आएगी, डुगू उसके लिए। ये देखे किसके लिए? ये हेयर बैंड तनिषा के लिए, और ये है सैंडल किसके लिए? ये भी तन्नी के लिए है। तेरे पापा ने भेजी है, हट तो आगे से, आगे से हटो। मेरे पापा चम चम, ये देखिए यहाँ पे तनिषा के लिए, और ये है हेयर बैंड जो कि दुबई से पहुंच रखा है, और ये है सूच, ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं।
ये भी वहीं से मेरी मम्मी ने ना अभी देखते हैं ये डुगू के लिए है या शिवांश के लिए। और इसमें वाह ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर फ्रॉक है, ये तनी के लिए तनिषा के लिए ये पापा ने दिया क्योंकि मुझे लगा कि डुगू के लिए, लेकिन ये ना शिवांश के लिए है शायद क्योंकि बोल भी रहा था ना वो फोन में कि शिवांश के लिए। ये वाला जूता शिवांश और डुगू अपना जूता दिखा दो ये देखिए, और ये वाला है डुगू के लिए तो ठीक ही दे रखे मतलब बड़े दे रखे क्योंकि बच्चों के ना जल्दी से छोटे हो जाते हैं। वैसे भी शिवांश के पास और इनके पास सबके पास मतलब जूते बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ पे कितने सारे हेयर बैंड दे रखे हैं तो इसके लिए तो पूछना पड़ेगा ये किस किस के लिए है। ये देखिए यहाँ पे बड़े सुंदर हैं ये भी एक जैसे हैं मतलब सारे। और ये वाली फ्रॉक देखिए यहाँ पे ये वाली फ्रॉक कितनी सुंदर है तो ये भी ना तनिषा के लिए है शायद। और ये वाली सैंडल तो बड़ी प्यारी है देखिए कितनी सुंदर और एकदम लाइट वेट है बिल्कुल हल्की है जैसे आपने आपी है तनिषा है ना डग्गू कैसे लग रहा? अच्छा बहुत अच्छा जूते हाँ। पसंद आए हाँ। पापा थैंक यू पापा थैंक यू। और इसमें देखते हैं और क्या है तो कुछ ये है इस तरीके से तो ये ना शायद बच्चों को खेलने के लिए दे रखे हैं। रुक जाना बेटा ये देखे यहाँ पे जमीन जहाँ से आया है वहाँ का नाम ये देखिए आई लव दुबई इसमें लिख रखा है और उसका यहाँ पे शहर है यहाँ देखिए कुछ इस तरीके तो ये भी ना बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये दे रखा है चाबी का छल्ला टाइप का कुछ है तो ये भी ना बड़ा सुंदर ये भी वो सब वहीं से आ रखा है। और अभी इस वाले थैले को अनबॉक्सिंग करते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें और इसमें कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो कि यहीं इंडिया की थी पहले। ये देखिए ये फ़ोन ना वो पहले अपने पास ले तो वहाँ पे जाके उसने न्यू फ़ोन लिया था तो ये वाला फ़ोन उसने वापस भेज दिया है घर पे। ये भी ना इसकी मम्मी का था पहले से डू की मम्मी का और ये छोटा सा फ़ोन भेज रखा है जो कि बोला था कि मम्मी के लिए। ये देखिए ये ना दादी का है ये मेरी मम्मी का है ठीक है ये भी खोलता अभी खोलते हैं सबर रख ले तुम्हारे लिए दुबई की मिठाई पहुंच सकती है ये देखिए चॉकलेट वहाँ की ये देखिए यहाँ पे ये ना बच्चों के लिए पहुंच सकती है ये देखिए अच्छी लग रही है ना मुझे अच्छी लग रही मेरे के लिए मैं खाऊंगा इसको आज वहीं रखा भी अच्छे मम्मी आई ना। और ये वाली चॉकलेट ये ना जब दूसरे नंबर वाले भैया जाते ना सारे अनबॉक्सिंग कर दी है दोनों पैकेट की तो ये टॉफी भी आप देख चुके हैं इतनी बड़ी बड़ी इसमें टॉफी है कम से कम इतनी बड़ी एक टॉफी है इसमें। और सबसे प्यारी चीज़ जो है ये है चॉकलेट बच्चों की देखिए कितना कलरफुल कितनी अच्छी लग रही है ये है तो निकले काला ये मेरे के लिए हाउस दोनों तक डिसाइड कर ले कौन सा मेरे लिए और ये वाली चॉकलेट ये मेरे के लिए बड़े टेस्टी होती है। और बाकी इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह तो ड्राई फ्रूट वगैरह तो आप लोगों ने देख ही देखे नॉर्मली जैसे यहाँ के होते वैसे वहाँ के भी तो बस इतना ही सामान है इतना ही पार्सल आ रखा था अभी किसी के पास भिजवाया है भाई ने है। जैसा कि मैंने बोला था हमेशा 4 बजे से बारिश स्टार्ट होती है लेकिन आज 2:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई है प्रॉब्लम है। और ये देखिए बारिश इतनी भयंकर हो गई कि हमारा ये ड्रम भी इतना भर गया है बारिश से। और सामने देखिए मोरी रोड पे ये देखिए आसमान देखिए कितना जोर से गरज रहा है और रोज़ आजकल यही हाल है यहाँ के मौसम का रोज़ यहाँ पर बारिश हो रही है आजकल ये देखिए यहाँ। और अब इसके बाद ना जब रोपाई का सीज़न आएगा तब बिल्कुल बारिश नहीं होगी तब रोपाई भी वहीं अटक जाएगी मतलब बहुत टाइम तक जब बारिश की ज़रूरत होती है तब नहीं होती है बारिश। और आजकल बिना फालतू में बारिश हो रही देखिए गेहूँ भी जितने भी उसमें पड़े हुए थे गेहूँ वो सारे निकल गए। यहाँ पे दूर जानते हो क्यों इसकी वजह से
प्याज में काटने में नहीं आप बता दे ना, तो हमें रोज़ प्याज छीनना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बहुत बार ब्लॉग में दिखाया है कि हमें रोज़ प्याज छीनने पड़ते हैं होटल के लिए। तो ना मम्मी तो आज वहाँ जा रखी बिटाए थक के भी आ गई होगी, आएगी मतलब मम्मी, तो इसलिए मम्मी को रोज़ छीनना पड़ता है। तो मैं आज दुकान पर भी गई नहीं हूँ, इसलिए मैं ही मम्मी का बदले का तब तक काम करती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस बार प्याज तो देखो, यहाँ इतना बड़ा दाना प्याज था, मैं तो पहली बार देख रही हूँ इतना बड़ा और इतना मोटा सा, इसमें मुझे मिर्च लग रही है। मैंने ना इतने प्याज छील दिए हैं और ये टोकरे मतलब पूरी एक दिन में एक टोकरी हम छीलते हैं, इतना लग जाता है वहाँ पे दुकान में, तो इसलिए मम्मी के बदले का काम निपटा दिया तब तक। और मम्मी और को मैंने फ़ोन करा तो मम्मी और भी अब आने वाले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन करा था, मोरी में थो ऐसे बारिश में तो डर ही लगता है, वहाँ पर पेड़ वगैरह भी बहुत गिरते हैं ना, तो बारिश पूछने आ चुकी फोन कर। बस मैं कर रही हूँ यहाँ पे मम्मी लोगों का इंतज़ार, जैसे मम्मी लोग आएंगे वैसे हम भी जाएंगे बसंत नगर, क्योंकि मैंने शिवांग को आज घर में ही छोड़ रखा है, एक बार पहले भी छोड़ रखा है मैंने बहुत बार, लेकिन आज भी मैंने वहीं छोड़ दिया था, और वो सुबह उठा भी नहीं था जिस टाइम पे मैं प्रो लाई थी, तो आज मैंने उसको गाँव में ही छोड़ रखा है, तो अपनी मामी के पास है वो, तो थोड़ी देर में हम जाए, तो शायद आज राणा जी भी कहीं जा रहे थे 2-3 दिन के लिए, तो वो भी आ गए हैं यहाँ पे, तो शायद वो भी आज हमारे साथ ऊपर चलेंगे, मुझे पूछते हैं, अभी तो वो सो रहे हैं अंदर क्योंकि उन थक थक हैं बहुत, तो देखते हैं शायद वो भी जाएंगे आज बसंत नगर, कोई बहुत टाइम से गए नहीं है ना उधर साइड में, तो आज वो भी जाएंगे वहाँ पर, तो वैसे शिवान सूट पाएगा शिवान पर, जैसे वो भी मुश्किल ही यहाँ पर रहेंगे। दुगी यहाँ देख तो बारिश कैसे हो रही, बारिश कैसे हो रही बताना, कैसे हो रही यहाँ बारिश, मजा आ रहा बारिश में, टीवी आ गई, ये तन्ने की चप्पल फिट आ रही है उसके पैर में, देखो माँ फण देखो माँ घोड़े की बारिश हो जाती है ना, वो मोटी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, दिन के 12 बजे आ गया वो वाला गाँव जहाँ दांत वाला है, हाँ ये आगे है, और ये देखिए दोस्तों आप लोगों को जो भी पहाड़ी हैं जिन क्या यहाँ होते हैं मतलब जिनको इनके बारे में पता है उनको पता होगा कि ये क्या चीज है यहाँ पे, तो ये हैं देखिए यहाँ पे कहीं कहीं ना इसको पहाड़ी भाषा में गुच्छी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है जुमले, हमारी भाषा में इसको जुमले बोला जाता है, तो ये ना सूखे ऐसे हो रखे हैं, ये सूख रखे हैं एकदम ऐसे। अच्छा, मैंने और तो मैंने पहले मतलब जब ये सूखे नहीं रहते ना तब एकदम चौंके जैसे होते हैं, अच्छे से होते हैं गलबले एकदम, और सब्जी तो इसकी इतनी टेस्टी होती है और दवाइयाँ इतनी बनती है ना इसके, इतने महंगे जाते हैं कि पूछो ही मत, तो ये ना भाभी लोगों को मिले थे एक दिन ही चलते चलते रास्ते में मिले, तो ये भी हर किसी के उसको लगते नहीं है, किसी किसी को तो सामने होके भी दिखते नहीं है, दूसरा इंसान उसके पास में होके देख लेता है, तो इस टाइप के होते हैं जुमले ये देखिए। तो ये ना एक माला बना रखी है और इसको सुखा रखा अच्छे से, अगर कोई लेने वाला आएगा तो उसको देंगे इसको, क्योंकि आते रहते हैं, ये देखिए सूख के इसको इस तरह से ना सुई से इसके माला बनाया जाता है, तो अच्छे से सूख, क्योंकि जब तक ये गीले होते हैं ना इनको कोई लेके नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे जाते हैं, इसलिए ना इनको सुखाया जाता है अच्छे से, ये देखिए स्टेप से माला बना जाता है, टांग दिया जाता है इसको, तो जब कोई आएगा ना इनको तब, क्योंकि बेचने वाले आते हैं इनको, तो उनको बेचा जाता है, तो वो आते हैं ना वो लेके जाते हैं, बहुत ही महंगे जाते हैं, पता नहीं कितने हजार रुपये किलो। तो चले जी हम पहुंच गए हैं अभी घर पे, और बारिश ना हल्के फुल्के भीगी गए, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही थी बारिश, तो अभी शिवांश को भी भुक्कू लग गया है ना, भुक्कू लगे शिवांश को, तो
जो भी ला रखी थी पार्सल में चीजें, तो इनको भी दे दिया मैंने, बच्चों को सबको, एयरबैंड वगैरह सब लोग थे उनको दे दिए हैं। तो चलो वीडियो को भी आज यहीं पर रखते हैं, मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय।